तो हेलो एवरीवन, दिस इज हेड गब्रो और स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक के इस एपिसोड में। तो गाइस आपको मालूम है कि हमारे वर्ल्ड का हमने वन ब्लॉक में हमारे लिए एक फार्म बना लिया था और गाइस आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है गाइस, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो पहला वाला मतलब पहले जो हमने स्टार्ट करा था फर्स्ट एपिसोड में गाइस हमारी चिंकी और पिंकी मिली थी और वो दोनों गिर गई थी क्योंकि मेरे पास ज़रा सी भी जगह नहीं थी और वो गिर गई थी यार इस ब्लॉक पे से। और उस टाइम मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि क्या पता यार इतनी मुश्किल से कोई फ्रेंड मिला था मेरे को मतलब इस जगह पे जहाँ पर हम बिल्कुल अकेले हैं। तो गाइस चलते सीधे वीडियो में बे। तो ओके, तो गाइस यार हमने यहाँ पर कुछ ऑफलाइन प्रोसेस की है थोड़ी बहुत, मतलब जैसे कि एक ट्री एक सैपलिंग मिला था तो मैंने ट्री बना लिया और यहाँ पर थोड़ी सी जगह को एक्सटेंड किया। ओ भाई इसको कैसे लग गई, शायद यहाँ पर वो लगी हुई इसलिए। और ये चेरी फैलते जा रही है यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर हमने होम के अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है और गाइस देखो गाइस ये हमारी चिंकी पिंकी यार अब वापस आ गई है। क्या मालूम ये चिंकी है या पिंकी है, बाकी अब मैंने इनका नाम वापस चिंकी पिंकी रख दिया है। और भाई मैं इसको फोकट ही मार रहा हूँ लेकिन ठीक है, मैंने इसका नाम चिंकी पिंकी रख दिया है और काफ़ी अच्छी बात है गाइस। और गाइस इसके अंदर भी कुछ है क्या, इस चेस्ट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा है, फोकट ही यहाँ पटक रखा है। बाकी मैंने सोचा कि यार कुछ मतलब जो काम की चीज़ें हैं वो इसके अंदर रख दी जाएगी ताकि वो वहाँ पर अगर कोई क्रीपर ऊपर स्पॉन होता है तो गाइस यार हमारे किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे हट जा ना, खसक खसक खसक। भाई ये चिंकी खसने को तैयार नहीं, भाई खसक जा, बाहर आना चाहती है। भाई नहीं चिंकी नहीं भाई, अभी हमारे पास वो लग जाना गेट। चलो चिंकी का भारी घूमने दो, शायद यहाँ घास आसे तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा कि घास आस खाती रहेगी। तो गाइस यार अब अपने यार माइनक्राफ्ट में वैसे भी कर क्या सकते हैं अपन, माइनक्राफ्ट में यही कर सकते हैं मतलब ये वाले वन ब्लॉक में कि अपन बस ये एक ये ब्लॉक है बस इसको तोड़ सकते हैं। इसलिए तो वैसे मेरे को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस एक ब्लॉक को तोड़ते जाना है। तो गाइस तोड़ते फटाफट, तोड़ो 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 तोड़ो। ओ ये गाइस हमारे पास वो आया भाई, ओके तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, ओके। तो गाइस यार एक फेज़ ख़त्म हो गया और गाइस अपना दूसरा फेज़ आने वाला है, जो काउंटडाउन चल ही रहा है यहाँ पे। शायद हमारा कोई सा स्टोन वाला फेज़ आ चुका है, ये बेड रॉक है यहाँ पर। ओके तो यार इसका वेट करेंगे हम थोड़ा। हो जा भाई, 3 2 1। ओके तो गाइज ये नया फेज़ आ चुका है हमारा और गाइज मेरे को नहीं मालूम इस फेज़ में क्या। ओ गाइज आयरन, और भाई कितनी बड़ी बेकार किस्मत है हमारे पास क्योंकि यार हमारे पास स्टोन की तो वो है ही नहीं ना भाई, तो कैसे हमको आयरन मिलेगा। वैसे आयरन मिलता है कैसे भाई, अपनी पिकेक्स से तो कोई दम ही नहीं भर रही है भाई, कुछ नहीं मिल रहा। ओ भाई मैं सबसे पहले ये कोबल, ओ भाई कोल मतलब अगर कोल आ गया तो मतलब भाई क्या है बे पिग्गू, तू मेरा बेड पे क्या कर रहा है बे, क्या कर रहा है तू यहाँ पे भाई। ये मैंने मेरे लिए बेड बनाया भाई, इग्नोर तो भड़ा मार रहा है भाई, ये बड़ा इग्नोर मार रहा है बंदा। ओ भाई इसको तो देखो, ये कहाँ खड़ी है भाई, ये तोड़ता हूँ मैं, निकल आ जाएगी बाहर, टूटो आ जा बेटा आ जा, देख ले मैंने कितना अच्छा आदमी बचा दिया ना देखो। ओके तो गाइस यार अब यहाँ से कोल निकालते हैं अपना, निकलो जल्दी, तोड़ो। ओके कोल मिल रहा है हमें, ओके थोड़े स्टोन इकट्ठा करेंगे फटाफट। गाइस ये क्या, अरे हट यहाँ से हट, अबे मारे जा रहा है अबे, इसको कुछ हो नहीं रहा है, जल क्यों नहीं रहा है ये। ओ भाई ये खाते हैं थोड़ा बहुत हम, क्या हो गया, अच्छा अपनी हेल्थ तो भाई पूरी, भाई पहली बार यहाँ पे ज़ॉम्बी, तो भाई ये बात तो पक्की होगी कि ज़ॉम्बी वॉम्बी आना चल हो जाएंगे मतलब चलो हो जाएंगे यहाँ पे अपने वर्ल्ड पे, तो हमें जल्दी यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे टॉर्चेस वगैरह लगाना पड़ेगी। और गाइस ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं लेकिन इनको घूमने देंगे अपन, थोड़ा खाना वाना पीते खाते रहेंगे। ओके तो गाइस वापस माइनिंग शुरू करते हैं, खोदो। ओके आयरन आया गाइस, ओके गाइस, अरे भाई हट जाओ ना, इनको फिर से मेरे को लगता है अंदर की ओर करना पड़ेगा लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं इनको देने के लिए। एक मिनट यार मैं चेक करता हूँ। ओके तो मेरे पास ब्रेड है, मीट है, ओके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और मैं कैरेट से भाई कौन आ सकता है, एक मिनट यार कैरेट ट्राई कर लेते हैं, कैरेट कौन खाएगा, कैरेट ब्रो तू खाएगा कैरेट खाएगा भाई इस पर। ओके तो ये खाता है इसको, थोड़ा इधर ले आओ, आ जा फटाफट, तू हट जा भाई, कैसे खड़ी है ये, एक तो मेरे से कंट्रोल, हट जा। ओ भाई ये बाहर आ गई भाई, एक को बाहर करो दूसरे आ जाती है भाई। ओ भाई नहीं, देखो किन्ने बाहर जाने का बोला, इधर आओ
यार लगता है ये सब बाहर चले जाएंगे, उधर खसकना। अरे भाई भाई लगता नहीं अब ये आएंगे भाई। तो मेरे पास एक आइडिया, मेरे पास शायद बोन मिल्क पड़े होंगे। बोन मिल्क? बोन मिल्क किधर भाई? बोन मिल्क है ही नहीं मेरे पास भाई, क्या ही करूँ मैं अब इनका। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी इनको यहीं रहने दो। और भाई ये कैसे दिख रहा है? एक मिनट इसको खिला देते थोड़ा सा है ना, और बाकी रख देते हैं इधर ही। हम बनाते हैं हमारे लिए अब स्टोन की पिक साइज, तो स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी फटाक से स्टिक्स। तो खेत हो गए यार, मैंने बना ली है एक स्टोन की पिकेक्स। और भाई यहाँ फिर अंधेरा होने लगा है और मेरे जानवर सारे बाहर घूम रहे हैं। मैंने फार्म किस लिए बनाया मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा। और ये सब देखो मेरे ही बेड पे खड़े हैं भाई, मैं कहाँ सोऊंगा भाई। मैं सोच रहा हूँ कि यार टार्च वार्च बनाने से अच्छा सबसे पहले अपन सो ही जाते हैं। The next morning. तो खेत हो गाइस हो गई है एक और मॉर्निंग, हमारा दूसरा दिन हमारे माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक वर्ल्ड में रियल टाइम में नहीं। तो भाई यहाँ आयरन पड़ा है, तो पहले तो यार आयरन उठाना जरूरी है, इसलिए स्टोन की पिक्स बनाई थी हमने। ओके तो हमें मिलता जा रहा भाई बहुत सारा स्टोन ही स्टोन। ओके तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते। ओके तो गाइस ये क्या मालूम क्या चीज़ आई है, शायद हमारे पास फेंसिंग मिलने वाली है। ओके ओ गाइस तो फेंसिंग भी आती है गाइस इसके अंदर। तो वापस चालू करते हैं अपनी माइनिंग, काफ़ी स्टोन आ चुका है। क्या है भाई तेरे को, कहाँ है तुम लोगों को, क्या है? एक मिनट मेरा पिग्गू कहाँ गया? ओके तो पिग्गू वहाँ पे है और मेरे पास भाई कुछ नहीं हो। भाई तू कैसे लटकी है? ओ नो ब्रो, पिंकी फिर से चली गई। भाई इतने मुश्किल से मैं तेरे को यार बचा के लाया था भाई, इसको खसका खसका के अंदर कर देते हैं अपन। भाई कैसे करूँ मैं, इनको तो समझ नहीं आ रहा है, एक तो इनका क्या किया जाए। तो यार मरने दो इनको यार गाइस, मैं इतनी देर से बचा बचा के परेशान हो चुका हूँ इन लोगों से। तो अब यार अपन अपना काम करेंगे, भगाओ इनको, आ जाएंगे और जानवर आना होंगे तो अपने पास। ओके तो यार अनदर चेस्ट बेबी आ चुका है। और भाई इसमें क्या है? ओ भाई ये देख रहे हो लेदर बूट मिले इस बार। और भाई वो तो देखो कितने सारे मिले, तो वो भी रख लेते हैं। और गाइस जो हमारा भाई यार हमारे पास फर्नेस नहीं है, तो गाइस फटाक से फर्नेस बनाते हैं हमारे लिए। तो भाई एक फर्नेस और ये एक बोल भी बना लेते हैं। ओके ताकि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप बोल का यूज़ करने वाले हैं। और एक फर्नेस मैं कहाँ रखूँ, मैं यहाँ रख लेता हूँ फर्नेस को। तो फर्नेस कहाँ है भाई, फर्नेस किधर गई? ये रखिए, इसको रखते हैं गाइस यहाँ पर। और हमारे पास बोल है ना, और गाइस हमारा सामान जो है ना वो सारा मैं वहाँ रख देता हूँ फटाफट जाके। तो ओके तो गाइस मैंने आयरन वगैरह मेरे उस चेस्ट में रख दिया और एक को तो उधर पोछा भी दिया। और मेरी मशरूम कहाँ कहाँ गई? ये रही। तो देखो गाइस हम बोल से क्या करने वाले हैं, मेरे ख्याल से हम ये मशरूम को तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसका, बोल कहाँ गया? एक मिनट यार बोल मेरे पास ही है, तो ये बोल को हमारे पास रखते हैं, कुछ तो हो सकता है इससे। भाई मशरूम का, ओ भाई मिल्क स्ट्यू मिल गया अपने को, कहाँ है? ओके तो गाइस ये देख रहा हूँ मिल्क स्ट्यू आ गया है और हम इसे खा सकते हैं। बाकी इसे अभी हम रख लेते हैं, इसके अंदर रख देते हैं ठीक है। तो इस तरीके से रहता है गाइस, हम इससे ये बना सकते हैं। बाकी यहाँ मीट पड़ा हुआ है, अच्छा ये इससे मर गई भाई। और यहाँ थोड़ा सा अंडे पंडे मिल रहे हैं अपने को। मैं चाहता हूँ चारों तरफ फेंसिंग लगा दूँ लेकिन नहीं गाइस। तो अभी यार इसको और तोड़ना शुरू करते हैं, थोड़ा भी माइनिंग और करते हैं। ओके बेबी अनदर चेस गाइस। और हमारे को जो बूट मिले थे वो भी मैंने पहन लिए हैं। तो चेस्ट में क्या मिल रहा है? अरे यार क्या हुआ? अच्छा ओके तो गाइस देख सकते हो क्या ही भाई, स्टोन ब्रिक्स आ जाओ इधर, कोबल स्टोन्स भाई कितने सारे। ये भाई ओके तो गाइस थोड़ी बहुत और माइनिंग करने वाले हैं। और गाइस हमारे पास काफ़ी लकड़ियां हो चुकी है। तो गाइस आज हम जो सरप्राइज है गाइस, जो हमारा एंड में जो वीडियो के रहेगा कि हम बनाने वाले हैं अपना खुद का घर गाइस, जो कि हमारा मैंने जो प्लान बना रखा है उस हिसाब से बनाएंगे अब, और फटाफट उसको बनाएंगे लेने की तैयारी करते हैं गाइस। और इनके लिए ना भाई इनको कुछ नहीं करने वाला मेरे को नहीं लगता, उसको देखो भाई चुपचाप अंदर नहीं जा सकता भाई, तू यहीं के सामने के सामने देख रहा है बिल्कुल। ओह मुंडे तो देखो उसके लकड़ियों से बाहर निकल रही है, ये भी गिरेगी भाई मेरे को मालूम है। मैं कुछ नहीं, अब मैं नहीं कर सकता इनके लिए, इतना नहीं बचाऊंगा इनको, मैं इतना थोड़ी बचाने वाला हूँ मैं इनको। तो चलो माइनिंग स्टार्ट करते वापस। ओके तो गाइस अनदर खाओ, और अब हमारे पास एक और खाओ आ चुकी है। और मैं सोच रहा हूँ यार कि ये सब गिर जाएंगे, मेरे को ऐसा ही लग रहा है मेरे को कि वो गिर देंगे ज़रूर, लेकिन कोई नहीं यार अभी हमारे पास कुछ नहीं उनको वहाँ तक ले जाने के लिए। ओ भाई गाइस ये अभी तो अपने को कुछ नहीं कर रही है, बाकी गाइस मेरे को पता है ये बाद में अपने को ही मारने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से, भाई इसे स्ट्रिंग्स मिल सकती है ना। तो ओके देख रहे हो गाइस,
अब इससे हम बो बना सकते हैं ना। एक मिनट, अपन यहाँ से शायद बो बना सकते हैं। यहाँ लिखते हैं हम बो। भाई आजा आजा भाई, बो कैसे बनता है? तो भाई स्ट्रिंग्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो स्ट्रिंग्स को तो भाई हम अच्छे से संभाल के बिल्कुल रख देंगे। और गाइस हमारे पास काफ़ी चीज़ें हो गई है, देख ही सकते हो, और काफ़ी जानवर भी हो चुके हैं, दो दो गाय हो चुकी है। तो ओके, तो गाइस यार हमारे पास काफ़ी फेंसिंग हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं ना इनके लिए सारी बॉर्डर बना देता हूँ यहाँ तक। मेरे ख्याल से वो वहाँ तक तो मतलब यहाँ का आइलैंड तो कवर होना ही चाहिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ पहले ये पूरा कवर करने के बाद। तो ओके, तो गाइस यार मैंने यहाँ बना ली है अपनी फेंसिंग, जो कि रंग बिरंगी सी बन चुकी है, ताकि इनसे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा इनको, ताकि वो इधर गिरेंगे नहीं। और इधर तो वो रोक ही लेती है अपनी ये चेरी वगैरह। ठीक है, तो गाइस यार वापस अपनी चल्लू करते हैं अपनी माइनिंग। ओके, तो गाइस यार अनदर चेस्ट आ गया हमारे पास। और गाइस इसके अंदर हमारे साथ है बेक्ड पोटैटो, और गाइस मेरे को सॉड की बहुत ज़रूरत थी, तो हमारे पास आ गई सॉड। देख रहे हो ना, माइनक्राफ्ट वाले बिल्कुल अपने साथ हैं। ओके, और मेरे पास आयरन वगैरह है, तो आयरन को फटाक से मैं वहाँ रख जाता हूँ। ओके, तो गाइस यार यहाँ पर आ गए गोल्ड, और मेरे ख्याल से मुझे आयरन की ज़रूरत पड़ने वाली है। और तो मैं यार यहाँ जाता हूँ, और अब यहाँ से अपने दोनों आयरन के लेके आता हूँ, और अब बना लेते हैं हमारे लिए फटाफट से एक भाई पिकेक्स आयरन की। भाई पहले आयरन के पहले यहाँ बैक करना पड़ेगी इसको यार, इसके अंदर रखो और आयरन से इंगट बनाओ। मेरे ख्याल से 3 इंगट लगने वाले, और हमारे पास इंगट की कमी हो चुकी है। क्या करें, क्या करें गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं। इंगट मेरे ख्याल से 2 ही बनेंगे। एक बढ़िया पिकेक्स देख लेते हैं आयरन की। ओके, तो गाइस 3 इंगट लगने वाले, लेकिन हमारे पास 2 इंगट रहेंगे, कोई बात नहीं है गाइस। अपन यार अब कुछ नहीं कर सकते, जो मिल रहा है उससे काम चला लेते हैं, और इसको रख देते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ही हमें तोड़ना पड़ेगा गोल्ड को। गोल्ड गंवाना पड़ेगा यार, बड़ा दुख हो रहा है मेरे को भाई, गोल्ड गंवाना पड़ेगा। गोल्ड मिला था हमें यार पहली बार माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में इतनी आसानी से। ओके, तो गाइस यार हमारे पास वापस यार एक गोल्ड भाई, जिसकी ज़रूरत थी, लेकिन अब वो कोई ज़रूरत कोई काम का नहीं है। लेकिन इसे अब निकाल के वापस इसके अंदर रख देते हैं, क्या करें, एक और इंगट मिल जाएगा। चलो हमारी माइनिंग चल्लू करते हैं वापस, क्या कर सकते हैं। ओ भाई ये फिर से आ गया। ओके ओके ओके, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, मारो 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 मारो, मारो। ओ भाई नीचे नहीं भाई, स्ट्रिंग चली गई नीचे भाई, स्ट्रिंग चली गई नीचे भाई, स्ट्रिंग चाहिए थी। ओके, तो कोई बात नहीं, हम वापस से हमारे पिकेक्स बना लें। एक मिनट, ओके पिकेक्स बना ली। तो देखो देखो देखो, तो भाई इसके अलावा तो कोई काम ही धंधा ही नहीं ना अपने पास, यही करना है बस, इसके अलावा तो और कुछ कर भी नहीं सकते हम। ओ भाई आ गया, इस बार नहीं जान देंगे इसमें भाई। ओ भाई ओके, तो गाइस यहाँ से हमें 2 स्ट्रिंग्स मिली है, और पिछली बार कितनी थी, 1 स्ट्रिंग, ये हो गई। और गाइस अब हम यहाँ से बो बना सकते हैं गाइस, क्या बात है। तो ये बो बन गया भाई, बो को बड़ा संभाल के रखना। एक मिनट, बो को ट्राई करते हैं अपन। बो कहाँ गया भाई, बो कहाँ गया, इस प्यारी सी मुर्गी पर ट्राई करने वाला हूँ मैं वो। ठीक है, किस पर ट्राई करूँ, तो और किस पर ट्राई कर सकता हूँ मैं, ये प्यारी सी मुर्गी पर ट्राई करते हैं। नहीं अपन एक काम करते हैं, उस चेस पर ट्राई करते हैं। ओ भाई मार दिया मैंने उसको, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वैसे भी कोई काम की नहीं थी, ये गाय है हमारे पास। ओके, तो वैसे हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो भी इसे हमारे पास ही रखते हैं। चलो सारे हथियार, और चलो करते हैं वापस माइनिंग। ओके, तो गाइस यार हमारे पास फिर से दिल फेंकू चेस्ट आ गया भाई, इसके दिल कहाँ गए। ओके, तो इसे खोलते हैं भाई, इस बार लावा और भाई आयरन की, भाई देख रहे हो, थैंक गॉड माइनक्राफ्ट वालों, कहाँ गए भाई माइनक्राफ्ट, भाई तू क्या देख रही है, और ये मेरा मेरा बिस्तर है, तेरे लिए नहीं रखा है यहाँ पे, देख रहे हो ना गाइस। और गाइस देख रहे हो, मतलब माइनक्राफ्ट वालों ने हमारी मतलब जो है बिल्कुल यार उस चीज़ को कर दिया यार काम हमारा, कि हमें भाई दे दी है एक आयरन की पिकेक्स। ओ भाई वो फर्नेस देख रहे हो, ब्लास्ट फर्नेस दिया है हमको भाई, क्या बात है। तो मैं यहाँ रखने वाला हूँ अपना ब्लास्ट फर्नेस। ओके, तो यहाँ रखेंगे हम ब्लास्ट फर्नेस, और बाकी क्या है फिर अपने पास, चेस्ट भी बहुत सारे हो गए हैं, तो चेस्ट भी यहाँ जमा देते हैं। ठीक है, ओके, और एक चेस्ट यहाँ रख देते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी यहाँ कोई फट गया, क्रीपर फट गया ना, तो भाई मेरा पूरा सामान जाने वाला है यहाँ से। कोई नहीं, मैं सारी चीज़ें हटा दूंगा अभी यहाँ से, ये इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और कहाँ रखेंगे, कि भाई जगह बहुत कम होती जा रही है यहाँ पे। अभी हम थोड़ी बहुत और माइनिंग करेंगे। ओ भाई
ओ भाई देख रहो, क्रीपर स्पॉन हुआ और हमारा सामान। भाई कितनी चीजें उठा सकते हैं हम। भाई क्या ही चीजें हुई, कितनी सारी चीजें हमारी। जो मशरूम काऊ है ना भाई, वो भी चली गई है। मेरे को लगा ही था भाई यही होना है अपने साथ, यही होने वाला है। ओ भाई मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से मैं ना सारी चीजें मेरी वो वहां रखे आता हूँ। तो खे तो गाइस यार, एक बहुत बुरी खबर है कि यार गाइस जो हमारे जानवर हैं वो सारे मर चुके हैं, बस वो क्रीपर के कारण। बाकी सारे भी भाई अब मर चुके, बस वो एक चीज बची हुई है, मैं आपको बताता हूँ गाइस। देख ही सकते हो यार, कोई भी नहीं बचा, वो भी डिस्पोन हो गई गाइस। एक ही काऊ बची थी, वो भी डिस्पोन हो गई। और भाई और गाइस देख रहे हो यार, अब मैं बहुत सतर्क हूँ यार गाइस। मैंने अब यहाँ से जगह छोड़ दी है। अगर अब यहाँ पे कोई क्रीपर अगर ऐसे स्पॉन होता है ना, तो गाइस यहाँ से मार के हम उसको नीचे ही गिरा देंगे। तो गाइस वो ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। और गाइस यार मैं धीरे धीरे अपने घर के लिए प्लेटफॉर्म भी बड़ा कर रहा हूँ, और मैंने सारी चीज़ें अब इधर उधर कर दी है। मेरे चेस्ट उन भी गायब हो गए हैं, कुछ गिर गए हैं और एक आधी हैं मेरे पास। भाई कोई टेंशन की बात नहीं भाई। अब क्रीपर के लिए अपन एक काम करते हैं कि मैंने भाई यार क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है, पहले तो हम क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और सारी टॉर्चेज यार गाइज यहाँ फैला देते हैं ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो। ठीक है गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे ये सब सारा काम करने के बाद। तो खे तो गाइज यार मैंने सब जगह टॉर्चेस लगा दी हैं, वैसे काफ़ी लगा दी हैं। और अब तो खे तो गाइज आज के एपिसोड में बस इतना ही यार। होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को जाके फटाक से सब्सक्राइब कर दो, वो लाल बटन दबा दो गाइज, और वीडियो को लाइक कर दो। और अगले एपिसोड में जरूरी हम अपना घर बना लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास वुड की काफ़ी कमी है, हमें थोड़ी बहुत और करना पड़ेगा, बाग के पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक्स वीडियो बेबी।